एआई का जमाना आ रहा है, एआई आपके जॉब ले लेगा, ये सब तो आप सुने ही होंगे। लेकिन आज हम ऐसी एआई, क्रिएटिविटी और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपको होश उड़ा देगा। बातें हो रही हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंसर एथना लोपेस की। गुलाबी बालों वाली यह लड़की जिसकी लुक बाबी डॉल को याद करवाती है, वह महीने में करीबन 3000 यूरो कमाती है और उसके क्रिएटर्स का कहना है कि वह 10000 यूरो तक कमा सकती है। कहा जाता है कि उसकी आयु 25 साल की है, वह बार्सिलोना में रहती है। लेकिन ये सब फेक है क्योंकि रियल लाइफ में उसकी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आइए आज हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एथना के क्रिएशन के पीछे जिसका नाम सबसे आगे आता है वह है रूबेन क्रूज, जो द क्लूलेस नाम के एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते थे। अब बिजनेस चलते वक्त उसे दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक तो ठीक ठाक से क्लाइंट्स नहीं मिल रहा था और जो मॉडल्स उसके लिए काम कर रही थी उनके डेट्स मिलना, उस मॉडल्स के हिसाब से शूटिंग करने में भी समस्या हो रही थी। तब रूबेन क्रूज और उसकी टीम ने एक एआई इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचा और फोटोशॉप में एथना का क्रिएशन हुआ। एथना की लुक कितनी परफेक्ट है, रियल ह्यूमन के उसकी डिफरेंस पता ही नहीं चलता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये तो बस ह्यूमन वर्कर को एआई से रिप्लेस करना था, ह्यूमन ईगो के साथ डील करने में जो समस्या होती है उसको बाईपास करना था। क्या सिर्फ इससे सक्सेस मिलना था? नहीं, एथना के लॉन्च के कुछ दिनों में क्रूज को समझ में आ गया था कि एक रियल इन्फ्लुएंसर की एक लाइफ होती है और सब उसी को फॉलो करते हैं। तो उसकी टीम ने इसी डिमांड को टारगेट किया। उसने एथना के एक लाइफ को प्रोजेक्ट किया, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी दी। लोगों के सामने एथना एक्सट्रोवर्ट भी है और केयरिंग भी। वो फिटनेस एंथुजियास्ट है, हर हफ्ते नए प्लेस पर विजिट करती है। मतलब एक तरह से ऐसी एक रियल लुकिंग स्टोरी सामने लेके आया एक एआई मॉडल के साथ। और इसी तरह द क्लूलेस को सक्सेस मिल गया। अब इस सफलता के बाद उसने माया नाम की और एआई इन्फ्लुएंसर बनाने जा रहे हैं जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ा इंट्रोवर्ट और सॉफ्ट होने वाली है। लेकिन एक साइड से ये काफी प्रॉफिटेबल रहा, दूसरे साइड में ये एफोर्ट्स को काफी सारे विरोध प्राप्त हो रही है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ऐसी परफेक्ट एआई ब्यूटी को देखकर न्यू जनरेशन की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो रियल लाइफ में पूरी होना मुश्किल होगा। और ये भी कह रहे हैं कि इतनी एक्सपोजिंग फोटोज यूथ के लिए सही नहीं है। लेकिन रूबेन क्रूज और उनकी टीम को कहना है कि उसने अलग से कुछ नहीं किया, बल्कि जो रियल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं उसी को एआई से रिप्लेस किया गया है। आपको क्या लगता है कि एआई धीरे धीरे रियलिटी और इमेजिनेशन को मिला देगा? क्या ये ट्रेंड खतरनाक है कि हम इसके साथ चलेंगे और हमारी लाइफ और मजेदार और आसान होता रहेगा?